स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। सियासत में इशारों का बड़ा महत्व होता है। पीएम ने जमशेदपुर के मंच से भी एक इशारा दिया। वो इशारा किसके लिए था, ये एक सवाल है। पीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी की पहचान सिर्फ कमल है और कमल के अलावा कुछ नहीं। जिसके साथ कमल नहीं है उसके साथ मोदी नहीं। पीएम का इशारा किस पर था, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है तो मत करिए। मोदी सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल लेकर के ही आता है। अगर कमल का फूल है तो फिर वहां मोदी है, अगर कमल का फूल नहीं है तो वहां मोदी नहीं है। उन्हें आज की राजनीति का सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकार कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि पीएम को जमशेदपुर में अपनी पहचान कमल बताना पड़ा? प्रधानमंत्री इस बात से इशारा क्या कर रहे थे? इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। जमशेदपुर में हर मुद्दे पर भाषण हो चुका, हर बात जनता के सामने रखी जा चुकी थी कि फिर प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा। मेरी पहचान एक ही है, कोई आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है तो मत करिए। मोदी सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल लेकर के ही आता है। अगर कमल का फूल है तो फिर वहां मोदी है, अगर कमल का फूल नहीं है तो वहां मोदी नहीं है। ये बयान ऐसा था मानो पीएम किसी से पूछ रहे थे। जमशेदपुर पूर्वी से सरयू बागी है। सरयू बीजेपी के पुराने दिग्गज हैं। पीएम ये जानते हैं, सरयू बीजेपी के हर दांव पेंच को समझते हैं, हर दांव पेंच के वो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, क्योंकि ये वही सरयू राय हैं जिन्हें 28 नवंबर 2014 को इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मित्र कहा था। जमशेदपुर पश्चिम के उम्मीदवार मेरे मित्र भाई सरयू राय। तो सरयू को हराना है तो गेम प्लान नया होना चाहिए, और शायद पीएम का इशारा जनता की तरफ यही था। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। बाकी 23 तारीख को तो सबका फैसला होना ही है। अविनाश कुमार के साथ ऋषिकेश, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर।